लगाना चाहिए, सबको मास्क लगाना चाहिए। और अभी जो कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इससे और है, यहाँ की जो तीनों सीटें हैं, एक सीट का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तीन सीटों की नोटिफिकेशन हुई है। हमने राजसमंद कर में गया था और सारडा का भी, वहां भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए और सुजानगढ़ की भी स्थिति ली है। हमारे कार्यकर्ता कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, प्रदेश की पूरी मशीनरी, पूरी ताकत गहलोत सरकार की लगी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल होगी। दमखम के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी मांग करते हैं कि बिजलियों के दाम को तुरंत स्थिर किया जाए, बढ़ाया न जाए और कानून व्यवस्था को तुरंत ठीक किया जाए। विकास कैसे होगा? जो प्रधान बने हैं उन प्रधानों को पैसा ही नहीं मिल रहा है, पिछले एक दो साल से पैसा ही नहीं उनके पास पहुंच रहा है। तो जो प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, वह कैसे विकास करेंगे? इस सरकार को बताना चाहिए कि जो सरपंचों को, प्रधानों को, प्रमुखों को जो केंद्र सरकार के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा पैसा आता है और प्रदेश को भी उसको अपना भी कंट्रीब्यूशन देना होता है, तो आखिर वो पैसा केंद्र का जा कहाँ रहा है, नंबर एक। और प्रदेश का शेयर दे क्यों नहीं रहे? 21 में से 14 जिला परिषद के सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिताया, क्या उसी से गुस्सा निकाल रहे हैं क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। गहलोत जी से मांग करते हैं कि अविलंब ग्रामीण मंत्रालय के से पैसा जो आता है वह, प्रदेश के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वह, दोनों तुरंत सरपंचों को, प्रमुखों को, प्रधानों को तुरंत वहां पे जाना चाहिए, जिससे कि वहां का क्षेत्र का विकास हो सके। और मेरा सौभाग्य कि भीलवाड़ा में आज सबसे आज विभिन्न विषयों पे चर्चा करने का मौका मिला है। दो साल पहले राजस्थान की जनता ने विकास की चाबी, विकास करने के लिए प्रदेश का विकास हो, वह विकास की चाबी कांग्रेस के हाथ में सौंपी थी, लेकिन आज वह विकास की चाबी कांग्रेस ने खो दी है। यह पता नहीं कि वह विकास की चाबी कहां गई, और विकास के जगह पूरे प्रदेश भर में कुशासन और विनाश हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, और तो और प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही है कि रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। यहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराधियों मंचलों का मन काफी बढ़ गया है और केंद्र, प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल है।